ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 6 अगस्त के ईश्वर वदन में पहुंचे हैं। एकाग्रता, एकांत, एकांत प्रिय, मन एकाग्र हो जाए, छोटी छोटी बातों में ना फंसे, इस चीज को ध्यान रखते हुए आज का वरदान है। और परमात्मा अपने ही शब्दों में कहते हैं, एकांत और एकाग्रता एक, दोनों शब्दों में एक एक है, एकांत और एकाग्रता, मतलब एक को ही याद करने वाला, के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हम ज्यादातर अपने लौकिक परिवार में दूर बाहर रहने वालों की चिंता में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, फ्लाइट से वापस सी पाएंगे नहीं आएंगे, कहीं पढ़ने गया बच्चा ठीक ठाक रहेगा नहीं रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं आप सूक्ष्म सेवा करिए ना उसकी, आप सूक्ष्म से भी उस आत्मा का आप भला कर सकते हैं, दूर से रह करके भी उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसका भला चाह सकते हैं, और उसकी चिंता ना करते हुए, मुझसे चिंतन करते हुए उसका कल्याण कर सकते हैं। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। अगर मन बुद्धि अपने ही लौकिक सर्वाइवल में, अपने ही धन संपत्ति में, अपने ही साथी संबंधियों में फंसी रहेगी, चाहिए चाहिए में फंसी रहेगी, तो आप दुनिया की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्री चाहिए। तो छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। साधारण बातें क्या आ गई, शरीर और शरीर की चीजें, साथी संबंधियों के बारे में सोचना, बातचीत करना, लेन देन करना, आदान प्रदान करना, ये होगी छोटी छोटी बातें। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा, सूक्ष्म मतलब क्या है, आप यहां बैठे हो लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो कहीं भी एक सेकंड में ट्रैवल कर सकता है, जिसको एस्ट्रल ट्रैवल कहें आप, या शरीर के बाहर का ट्रैवल कहें आप, वो आप कर सकते हैं। उसको कहते हैं सूक्ष्म विमान। सूक्ष्म विमान जो कि बिना शरीर के भौतिकता के बना हुआ विमान हो, और आपकी एनर्जी के थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। एकांत मन के अंदर एक के बारे में ही सोचो, धन संपत्ति दुनिया वनिया इन चीजों के बारे में सोचना। एकाग्रता एक के ही आग्रह के अनुसार, उसके ही अनुमति के अनुसार, उनके अनुसार ही चलना पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। घर में काम चल रहा है या बिजी है, बिजनेस में है, जॉब में है, क्लाइंट आया चला गया, बॉस आया चला गया, किसी को कुछ ऑर्डर देना था, कुछ काम करवाना था, करा दिया, आप फ्री हैं, अपने साथ अकेले हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं। एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट के लिए आप बस परमात्मा की याद में लीन हो जाए, इनकी याद में, परमधाम में, अपने आप को आत्मा समझ करके कुछ क्षण साइलेंस में चले जाए, तो जाकर के आप जब बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वाहेगुरु को याद करते हैं, ईश्वर अल्लाह को याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके नूर से जुड़ने से आपका नूर जलना शुरू होता है, आपके अंदर चमक बढ़ती है, और आपकी वो चमक सिर्फ आप तक नहीं, चारों तरफ फैलनी शुरू होती है। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, बाहर तहस नहस हो रहा हो, हलचल हो रही हो, चारों तरफ लड़ाई युद्ध हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में, एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो अगर आप अपने ही बचाव में पड़े रहेंगे, अपने ही आपको ठीक करने में लगे रहेंगे, अपनी ही सोच में लगे रहेंगे, तो आप बेहद की सेवा नहीं कर सकते। चारों तरफ चाहे हलचल हो रही हो, परमात्मा ने कहा है मैं तुम्हें सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही समय पर मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, जहां पे तुम्हारी सेफ्टी होगी, जहां पर बैठ करके तुम तपस्या करके सारे तरफ की आत्माओं का कल्याण कर पाओगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। वो अंत के समय की प्रैक्टिस अंत समय में प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। इसलिए घड़ी घड़ी बीच बीच में एक के अंत में जाओ। आप देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ प्रोग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, फोन पे कुछ बातें कर रहे हो, बंद हुआ, रुको, फुल स्टॉप लगाओ और परमात्मा को, बाबा को याद करो, एक के अंत में जाओ, एकाग्र हो जाओ, एक सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, 5 सेकंड से 10 सेकंड, बस कुछ नहीं आना चाहिए मेरे तीसरे नेत्र में, सिर्फ बाबा आना चाहिए, परमात्मा आना चाहिए, वाहेगुरु आना चाहिए, अल्लाह आना चाहिए, उनका नूर दिखना चाहिए, बस फिर काम में बिजी हो, फिर थोड़ी देर में प्रैक्टिस करो, फिर 10 सेकंड तक सिर्फ मुझे प्रकाश दिखे और कुछ ना दिखे, कुछ और दिख रहा है इसका मतलब मेरा मोह, मेरा वहां पर बंधन है, उसको काटो। काटो मतलब कैसे, अभी तुम जरूरी नहीं हो, अभी मेरे लिए परमात्मा जरूरी, अपने आप से बात करो ऐसे। ये तरीका है मेडिटेशन करने का और मेडिटेशन को आगे बढ़ाने का, आप भी प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं आता आपको तो आप ब्रह्म कुमारी सुना करके
इसकी शिक्षा लें निःशुल्क। ओम शांति सत्संग।